जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34, 35, 36, 37 पर चर्चा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेय सेवैया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनश्च तत्वदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका सिखा रहे हैं। उस सत्य को तुम गुरु के पास जाकर जानो, उनसे विनम्रताओं से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो, जो ज्ञान में पारंगत और सत्य का साक्षात्कार कर चुके हैं वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगी। अर्थात गुरु के सामने अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण नम्रता और समर्पण के साथ जाते हो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तुम गुरु से गहराई से और श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछते हो, तभी तुम सत्य की खोज करते हो, तभी हमें सही उत्तर मिलते हैं। केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु की सेवा और समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक की सीख या संदेश यह है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु के प्रति समर्पित होकर सेवा और विनम्रता से उनसे सीखने की जिज्ञासा करनी चाहिए। यज ज्ञात्वा न पुनर मोहम एवं यास्यसि पांडवा एन भूतान्य शोषाणी दृक्ष्य तमन्य अधोमहि। हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में तथा मुझ में देखोगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सच्चे ज्ञान से न केवल मोह या भ्रम का अंत होता है, बल्कि व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मा के अंग हैं, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को सब में एक ही आत्मा और ईश्वर का अनुभव होता है, जिससे उसकी दृष्टि व्यापक और दिव्य हो जाती है। अपि चेत्सि पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्वम ज्ञाना पलवे नवि वर्जिनम संत ऋषि। यदि तुम सबसे बड़े पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाले हो, तब भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से पार हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। ज्ञान वह साधन है जो अज्ञानता और पापों के अंधकार से व्यक्ति को उबार कर उसे सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। यथै दामसी समीदो गणीर भस्मस्त कुरुत्रे अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञान का महत्व इतना महान है कि वह सभी कर्मों के परिणामों को समाप्त कर देता है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त हो सकता है, बल्कि अपने समस्त कर्मों के बंधन से भी मुक्ति पा सकता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।